हेलो नमस्कार जी, मेरे यूट्यूब चैनल सन एंड विंड में आपका स्वागत है। मैं आज गेंदे फूल के बारे में बताऊंगी कि ये कितने असाध्य रोग के बारे में प्रयोग किया जाता है। ये बहुत बड़ी अच्छी दवाई भी होती है और इसको मैं सभी को शेयर करना चाहती हूँ। और ये मैंने अपने घर में क्यारियों में लगाए हुए हैं, ये सभी को लगाने चाहिए। ऐसे भी देखने में बड़े सुंदर लगते हैं और ये दवाई के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। और जैसे भगवान के मंदिर में जाना हो, कहीं जाना हो, तो वहीं पर भी इनको इनका बहुत महत्व है। फूलों के बिना कोई भी मंदिर अच्छा नहीं लगता, तो वो ये सभी को लगाने चाहिए। इसके बारे में मैं बताऊंगी आगे कि ये किस रोग के बारे में बहुत ही लाभदायक होता है। हाँ, तो देखिए ये गेंदा फूल है और इसको जैसे आपने टेबल पे भी रखना हो तब भी कितना अच्छा लगता है। और ऐसे भी मैंने बताया कि मैं एक असाध्य रोग के बारे में बताऊंगी। तो देखिए ये जो गेंदा फूल है, ये जैसे आम लोगों को कब्जी की शिकायत रहती है और उस कब्जी की वजह से सभी को, बहुत सारे लोगों को कब्जी की वजह से पायल्स हो जाती हैं। तो बवासीर के होने से क्या होता है कि आदमी बड़ी तकलीफ़ में रहता है, ना किसी को बता सकता है, ना कुछ नहीं। हाँ, तो मैं इन फूलों के महत्व के बारे में बताऊंगी कि इन फूलों को, गेंदे के फूल को अगर आप पानी में उबाल कर उस पानी को पिए तो उससे इसकी बवासीर की बीमारी बहुत जल्दी दूर हो जाती है। ये बड़ा ही प्रयोग किया हुआ उपाय है। तो मैं सभी को कहूँगी कि ऐसे फूल का सेवन करें, ये और भी बड़े बड़े असाध्य रोगों को दूर करता है। पर हाँ, ये बवासीर के लिए तो एक रामबाण औषधि है। इसको ज़रूर अपने घरों में लगाएं और इसका सेवन करें। जैसे मैंने उबाल के बताया, वैसे पानी कम से कम दिन में 2-3 बार पिएं और 2-3-4 दिन पीने के बाद ही आपको पता लग जाएगा कि आपकी बवासीर में कितना फ़र्क हो गया है। और इसको कम से कम 10-15 दिन तक पीते रहें। और ऐसे भी इन फूलों को सुरक्षित रखना चाहिए, चाहे अपने घर में एक गमले में लगा के या क्यारी में लगाना जरूर चाहिए, क्योंकि ये हर एक चीज़ के लिए काम आते हैं। तो बहुत और भी शरीर में कोई इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता है, इससे फ़ायदा ही होता है। जैसे गले में खारिश हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी दवाई है, लेकिन बवासीर के लिए तो सबसे अच्छी दवाई है। तो मेरी आप सभी से निवेदन है कि ज़रूर इसका सेवन करें, जिनको ये बीमारी हो, जिनको ना भी हो, वो भी अगर चाय में उबाल जाए, चाय बनाते हैं थोड़े से 2-4 फूल के, ये फूल का 4/5 भाग डाल दें तो भी अच्छा होता है। चाय भी स्वादिष्ट बनती है और बवासीर की बीमारी भी दूर हो जाती है। देखिए ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मैंने खुद प्रयोग किया हुआ है। तो आपसे बड़ा निवेदन है कि आप भी, जिसको ये बीमारी हो, वो ये सेवन करें और इन फूलों को घर में लगाएं। बड़ी अच्छी तरह से उग जाते हैं, ये पानी वगैरह देते रहें और लगते भी बड़े अच्छे हैं। जैसे टेबल पे रखो, चाहे मंदिर में चढ़ाओ, चाहे आप कहीं भी, जैसे भागवत होता है, कथा होती है, वहीं पर भी ये फूल चढ़ाए जाते हैं। तो इनको आप बड़े अच्छे ढंग से घरों में लगाएं। अगर आपको मेरे ये विचार अच्छे लगें तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।